नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्टडी चैनल पे। काफी दोस्तों, आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में बड़ी अपडेट यहां पे देखने के लिए मिली। 31,277 मतलब 31,661 शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगाने के लिए जो याचिका फाइल की गई थी, आईए फाइल की गई थी, ऐसे में कोर्ट की तरफ से यहाँ पर जो सुनवाई है वो समाप्त हो गई है। यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो भी अभ्यर्थी काउंसलिंग कराने पहुँचे हूँ वो अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। फिलहाल भर्ती प्रक्रिया पर किसी प्रकार की कोई भी रोक नहीं लगाई गई है। रीज़न आपको समझाना चाहूँगा कि यहाँ पे कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जो आदेश रिजर्व किया गया था और साथ में जो अंतरिम आदेश दिया गया था उसके ऊपर कोर्ट की तरफ से अभी कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है। उसका रीज़न उनकी तरफ से बताया गया, पहला जो मैटर है वो सबसे बड़ा ये है कि जो पुरानी बेंच है जिसकी तरफ से ऑर्डर रिजर्व किया गया था वो एक साथ नहीं बैठ रही है। उनकी तरफ से यहां पर यह भी बताया गया है कि जो आदेश रिजर्व कर लिया गया है उसको सुनाया जाएगा। अब ऐसे में सरकार की तरफ से 31,661 में भर्ती करवाई जा रही है या फिर इसके अलावा जो भी चीजें देखने के लिए मिल रही हैं, अगर वो कोर्ट की अवमानना की जा रही है जो कि आदेश रिजर्व किया गया है, तो ऐसे में जो याचिकाकर्ता है वो यहां पर अवमानना याचिका या फिर कंटेम्प्ट फाइल कर सकते हैं। जैसे ही कंटेम्प्ट फाइल की जाएगी, कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि उसमें पूरी मदद उन अभ्यर्थियों की जाएगी, उन याचिकाओं की जाएगी, मतलब यहां पर मामला एक बार फिर से आप सभी के सामने देखने के लिए मिल सकता है। 69,000 कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर के बारे में अभी तक कोई प्रबल जानकारी नहीं दी गई। उनकी तरफ से यह कहा गया है कि जो ऑर्डर है वो सीधा सुनाया जाएगा, मतलब 31,661 में फिलहाल रोक नहीं लगी है। लेकिन इन शॉर्ट, ऐसे में अगर अवमानना याचिका फाइल की जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको जो सुनवाई है वो देखने के लिए मिल सकती है। इसके अलावा उनकी तरफ से यहां पर यह भी कहा गया है कि जिस बेंच की तरफ से जजमेंट डिजर्व किया गया था वो फिलहाल उपस्थित नहीं है, तो ऐसे में इस पर कोई भी डायरेक्शन, कोई भी फैसला नहीं दिया जा सकता है। मतलब सिंपल शब्दों में कहें तो जज साहब की तरफ से यहाँ पर यह कहा गया कि हम किसी प्रकार का कोई भी जजमेंट, जो जजमेंट रिजर्व किया गया था उसके ऊपर कोई आदेश नहीं देना चाहते हैं। जो फाइनल जजमेंट होगा उसी को यहाँ पर सुनाया जाएगा। लेकिन ऐसे में उनकी तरफ से यहाँ पर स्पष्ट ये भी जानकारी दे दी गई है कि अगर ऐसे में कोई यहाँ पर अवमानना की जा रही है तो उसकी सुनवाई आपको देखने के लिए मिल सकती है। बड़ी अपडेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर देखने के लिए मिली है। सरकार की तरफ से ऐश्वर्या भाटी मैम जुड़ी थी, उनकी तरफ से पक्ष कहा गया। शिक्षा मित्रों के तमाम वकील भी यहाँ पर जुड़े हुए थे, उनकी तरफ से ही बताया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो ये थी कि जो 3 जजों की खंडपीठ है वो बैठी हुई थी, जिसके अंदर मोहन सर नहीं है। और इसी वजह से मैंने आपको पहले भी कई बार बताया था कि 69,000 कट ऑफ मुद्दे का जो ऑर्डर डिले हो रहा है उसका रीजन भी आपको यही देखने के लिए मिल रहा है। तो फिलहाल तो इस याचिका की जो सुनवाई होगी बाद में देखने के लिए मिल सकती है जब ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन ऐसे में अभ्यर्थियों की तरफ से कंटेम्प्ट फाइल की जा सकती है, जो कि स्वयं ललित सर की तरफ से बताया गया है। तो फिलहाल ऐसे में 31,661 शिक्षक भर्ती पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है। कोई भी आदेश नहीं दिया गया है, ना ही रिजर्व जजमेंट के बारे में कोई भी यहां से जो डायरेक्शन है फाइल किया गया है, और साथ में अंतिम आदेश को लेकर भी जज साहब की तरफ से कुछ भी नहीं बोला गया। ये थी दोस्तों अभी की लेटेस्ट अपडेट जो कि सुप्रीम कोर्ट से देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा कोई और अपडेट निकलेगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।